तो आपने कभी ना कभी पावर रेंजर्स में मॉर्फिन ग्रिड के बारे में जरूर सुना होगा। तो आखिर ये मॉर्फिन ग्रिड क्या है, ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है और इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स मैं आज की वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सो हे गाइज एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूँ अंकित बेस्ट और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ मॉर्फिन ग्रिड से रिलेटेड बहुत सारी अमेजिंग डिटेल्स। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू दिस अमेजिंग वीडियो। तो मॉर्फिन ग्रिड एक मल्टीवर्सल एनर्जी फील्ड है जिसको सारे पावर रेंजर्स यूज करते हैं। हमारे रेंजर्स अपने मॉर्फर की मदद से लिंक हो पाते हैं मॉर्फिन ग्रिड से, और जब वो मॉर्फिन ग्रिड से लिंक होते हैं तब उनको मिलती है उनकी स्पेशल पावर्स और स्पेशल सूट्स। मॉर्फिन ग्रिड के बारे में पहली बार हमें पता चला था माइटी मॉर्फिन पावर रेंजर के एपिसोड 4 में, जहां अंदाजा लगाया जा रहा था कि जो हमारे रेंजर्स हैं उनका एक स्पेसिफिक लिंक होता है मॉर्फिन ग्रिड से। लेकिन आने वाले एपिसोड्स और सीजन्स में ये चीज कंफर्म भी हो गई। इसके अलावा अगर बात करें तो डॉक्टर के ने भी इसको डिस्कवर किया था और नाम दिया था बायोफील्ड का, जो कि एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी और इसी की मदद से यार उसने रेंजर ऑपरेटर्स बनाए थे, उनके गियर्स बनाए थे और जॉर्ड्स को बनाया था। इसके अलावा अगर बात करूं तो पावर रेंजर एसपीडी में कैट मैक्स और बाकी कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर मॉर्फिन ग्रिड पर एक्सपेरिमेंट करे थे ताकि वो एसपीडी रेंजर्स के मॉर्फर बना सकें, और वो इस चीज में कामयाब भी होते हैं। लेकिन इसी के साथ वहां पर हमें कुछ साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिले, जहां ह्यूमंस के अंदर म्यूटेशन हुई उनकी जेनेटिक्स और डीएनए में। इसी वजह से हमारे एसपीडी रेंजर्स को सुपर ह्यूमन एबिलिटीज मिली थी। आगे अगर बात करें तो ऑपरेशन ओवरड्राइव में भी हमें मॉर्फिन ग्रिड के बारे में बहुत सी चीजें पता चली। यहां हमने देखा था कि थ्रैक्स, फ्लूरियस और मोल्टार ने मिलकर ग्रिड को डैमेज कर दिया था। इसके बाद सेंटिनल नाइट ने हमारे रेट्रो रेंजर्स को यहां बुलाया था, और इस दौरान हमें पता चलता है कि सिर्फ ऑपरेशन ओवरड्राइव रेंजर्स का ही कनेक्शन लॉस्ट हुआ है मॉर्फिन ग्रिड से। इसके बाद अल्फा 6 की मदद से हमारे ऑपरेशन ओवरड्राइव के कनेक्शन को वापस मॉर्फिन ग्रिड से रिस्टोर कर लिया गया था। अब अगर बात करें तो लाइट स्पीड, टाइम फोर्स, विंड और थंडर एकेडमी, स्पेस पेट्रोल डेल्टा, मिस्टर एंड्रू हार्फोर्ट, रॉबर्ट आरजे जेम्स और एंशिएंट सामुराई रेंजर्स, इन सबको मॉर्फिन ग्रिड के बारे में पता था और इन सब के पास एक्सेस था मॉर्फिन ग्रिड का। लेकिन ये चीज कभी भी मेंशन नहीं की गई कि इन सबको मॉर्फिन ग्रिड के बारे में कैसे पता चला और इनके पास मॉर्फिन ग्रिड का एक्सेस कहां से आया। अगर बात करें बीस्ट मॉर्फर की तो यहां हमें पता चलता है कि हमारे नेट सिल्वर ने मॉर्फिन ग्रिड से एक अलग सा सब्सटेंस निकाला है जिसको उसने नाम दिया था मॉर्फ एक्स। आगे अगर बात करें ग्रिड एनर्जी की तो एक ऐसी एनर्जी है जो कि मॉर्फिन ग्रिड से निकलती है और इसी की मदद से हमारे रेंजर्स को उनकी पावर मिलती है, उनके वेपन्स मिलते हैं और उनके जॉर्ड्स मिलते हैं। अब मॉर्फिन ग्रिड की बात हो ही रही है तो मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ कि जो मॉर्फिन ग्रिड है वो यार एक एक्सक्लूसिव कॉन्सेप्ट है हमारे पावर रेंजर्स का। इसको हमारे सुपर सेंटाई से अडेप्ट नहीं किया गया है। देखो पहले हमारे मॉर्फिन ग्रिड शब्द को रैंडमली यूज किया जा रहा था पावर रेंजर यूनिवर्स में, यानी कि इसके पीछे कोई मीनिंग नहीं था। लेकिन हमारे जियो के अ जियो बिगनिंग पार्ट 2 एपिसोड में हमारे सबैन इसको यूज करने लगा एज अ पावर सोर्स ऑफ पावर रेंजर्स। वीडियो में आगे बढ़े तो आपने पावर रेंजर्स की फाइट्स तो देखी होंगी, और जब हमारे रेंजर्स लड़ते हैं तो उनके सूट से स्पार्क्स निकलते हैं। तो स्पेकुलेशन कुछ ऐसे हैं कि जो मॉर्फिन ग्रिड की एनर्जी है वो एब्जॉर्ब कर लेती है इन सारे हिट्स को और वो रिलीज करती है स्पार्क्स को, और इसी वजह से हमारे रेंजर्स को ज्यादा डैमेज फील नहीं होता। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, जहां आज हमने जाना मॉर्फिन ग्रिड के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने व्यूज कॉमेंट जरूर करना। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।